ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आपने चार दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुला त्योहार में गोश्त नहीं खाना, ठीक है मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजे रहता, तुम भी नहीं खाना? अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहता हूं, सुबह 4:30 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी क्या पागल है ये? अरे तू रोजा रह रहा, मेरे को क्या करना है, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 का कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना, मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबी का नाम लेकर, गरीबों को ख्वाब दिखाकर
दौलतमंदों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, अब ये खुरेशी बरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त का कारोबार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम खथिक खथिक कर देना खथिक। अब आप देखो कि मोदी जी बोले कि इस गोश्त को मुद्दा बना दिए, मगर इनकी सरकार ने वादा किया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 29,610 करोड़ रुपए देंगे, 29,610 करोड़ रुपए। अरे भाई वो गरीब क्या करेगा फिर बताओ, आप पॉलिसी बनाएंगे और गाली सबको देंगे। तो मेरे भाई चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो राष्ट्रवादी हो, इन सबको बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं।